एक गांव है पाली। पाली जो है एक हरोड़ा गांव है जो पहले सहारनपुर जिले में विधानसभा क्षेत्र हुआ करती थी जब हम पढ़ा करते थे 10वीं में। ये गांव गाघालेड़ी से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जब हाईवे आता है देहरादून की तरफ जाते हैं वहां से 3 किलोमीटर के लगभग होगा अंदर की तरफ। और एक बहुत बढ़िया किस्सा हुआ कि मैंने मकान बनाया था और उस मकान में एक लड़का था, उसका नाम है बंटी। बंटी बहुत पढ़ा लिखा लड़का है, आईटीआई है और इसने बीसीए भी किया हुआ है। और इसने हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फिटिंग का काम किया था। तब मैंने पाया कि ये लड़का थोड़ा सा अलग से कुछ काम करता है। इसके काम में मैंने बहुत सफाई देखी और बड़े ढंग से करता था और बहुत आराम से करता था। कभी कभी मैंने कहा छोटा सा काम इतना टाइम क्यों लगाते हो। तो जब हम बात करते थे, मैं और मेरा बेटा, बांस के बारे में, जब हम अभी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र गए थे तो इसने पूछा कि ये बांस की क्या बात करते हो आप। तो मैंने इसे बताया तो इसने कहा सर ये बहुत अच्छी खेती है और हमारे घर पर जो है कुछ मेरे पास हैं, कुछ मेरे पड़ोसियों के पास हैं, वैसे ही बांस लगाए हुए हैं। और जो इसने मुझे बताया मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। तो आज मैं सुनवाता हूं कि किस प्रकार जाने अनजाने में एक लगाए हुए पौधे से और कितनी आमदनी होती है, आप स्वयं इनसे जानिए। ये इन्होंने दो जगह पर बांस लगाए हुए हैं, ये देखिए आप गिनेंगे तो ये कम से कम 100 से ज्यादा बांस होंगे। ये जो तक पूरी लेन जी है, ये नाला है एक इनके गांव का जो इसमें सबरे गांव का गंदा पानी बहता है और ये इनकी यहाँ पर सीमा है। तो इन्होंने यहाँ पर बांस लगा दिया, इनके बुजुर्गों ने काफी साल पहले बांस लगाया। कितने साल पहले लगाया था ये? होगा जी साल तो 10 साल तो हो गया, दस दस बारह साल पहले मान कर चलते हैं लगाया था। और एक यहाँ पर लगाया था। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी देखें तो ये कम से कम भी 30 फीट से कम नहीं होगी। ये दूरी जो है उस बांस की और इस बांस की जो दूरी है वो 30 फीट से कम नहीं होगी। जितनी मुझे जानकारी है ये बालकुआ बांस है जो कहीं से इन्होंने एक राइजियोम जिसे बोलते हैं जड़ लाकर और वो रोप दी दो जगह पर, एक वहां पर और एक यहां पर। बंटी ने मुझे बताया कि अभी उन्होंने 90 बांस बेचे हैं और यहाँ बाग बिकते कैसे हैं, जो कि सबसे अधिक किसानों के सवाल आते हैं मेरे पास। तो उन्होंने बताया कि चलिए मैं आपको उनके मुख से ही सुनवाता हूँ कि उन्होंने कितने बांस कितने के बेचे। इस गांव के रहने वाले हैं जो इलेक्ट्रीशियन है, बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आसपास के किसी भी को इलेक्ट्रीशियन का काम कराना होता है होगा तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बंटी ये बताओ कि ये जो बांस है जी, ये कितने साल पहले लगे हैं यहाँ पर? ये 10 साल हो गए सर इसको जी। 10-12 साल पहले मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे एक राइजोम लगाया था जी। जो जड़ ला के लगाई जड़ लगाई थी पौधे की छोटी, एक यहाँ पर एक वहां पर जी। दोनों अभी तक कितनी बार कट चुके होंगे? अभी लगभग 5-6 बार कट चुके हैं। 12 साल में मान कर चलते हैं तो पहली बार कितने साल बाद कटे थे, कुछ याद है? पहली बार ये 2 साल बाद कटे थे। नहीं 2 साल में तो नहीं हो सकते, मतलब चलो चलो 4 साल मानकर चलते हैं कि 4 साल में पहली बार कटे होंगे, ठीक है जी। कितने बांस कटे थे शुरू में? स्टार्टिंग में 100 बांस कटे थे यहाँ से, यहाँ से दोनों जगह से जी 100 बांस कटे थे। और कितने का एक बांस बिका था? 200 रुपए का बिका था एक बांस। किसान साथियों 200 रुपए का एक बांस, और अगर 100 बांस भी मानकर चलते हैं, हम रहते हैं कि इन्हें ये नहीं था कि भाई इन्हें कोई इससे आमदनी करनी है या बिक्री करनी है या इस तरह से त्यागी जी किसी दिन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर 100 बांस मानकर चलते हैं और 200 रुपए का है तो इन्होंने 200 रुपए का 100 बांस मानकर 20,000 के बांस इन्होंने आराम से बेच लिए, है ना जी। 100 बांस 20,000 के बैठते हैं। अच्छा अभी एक दूसरी जगह आपने बताया कि वहां से बेचे हैं, कितने बांस बेचे हैं वहां से? 200 बांस बेचे हैं जी। 200 बांस बेचे हैं और कितने के बिके हैं? 200 बांस वो बिके हैं हमारे 30,000 के। 30,000 ले गए वो इकट्ठा ले लिए थे किसान, पूरा का पूरा बेड़ा ले लिया उन्होंने, पूरा का पूरा बेड़ा। 200 बांस 30,000 गए, 31,000 गए, 30,000 गए तो लगभग 150 रुपए बांस है।
वो कुछ इकट्ठा ले लेते हैं। किसान साथियों, जितने भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कुछ ने मेरे से बात की है। मैंने उन्हें पर्सनली बताया था कि इसकी इकोनॉमिक्स क्या है। तो मैंने एक बांस 4 साल बाद कुल 50 रुपए का लगाया था और बताया था कि इससे प्रति वर्ष अगर 1 एकड़ में बांस की खेती करते हैं तो कितनी आमदनी होगी। अब ये आप स्वयं देख लीजिए कि ये कितनी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इसके पास में पानी है और यहाँ पर देखिए बायोमास कितना है, कि ये खाद कितना मिल रहा है इसको, ये इसकी एडवांटेज है। बांस चूंकि बहुत दूरी पर लगे गए हैं और न इसके उत्तर में और न इधर दक्षिण में किसी भी तरफ इसका कोई सहारा नहीं है, तो बांस बैंड हो रहा है, मुड़ रहा है ये बांस जो है। तो ये मेरे मन में काफी दिनों से जिज्ञासा थी। और मैं एक चीज और दिखाऊंगा कि आपको ये शक न रहे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि 3 महीने 3 साल में कट जाते हैं या 2 साल में कट जाते हैं। आइए मैं थोड़ा इस बांस को देखिए जिसमें ये हरा बंधा हुआ है, इस बांस की कितनी उम्र होगी। अब आप थोड़ा नीचे से ऊपर तक देखिए, ये बांस ज्यादा से ज्यादा 6 माह का बांस है। ये जो बांस है ये 6 माह का है, लेकिन आप इसे अगर 1 साल का भी मानकर चलते हो तो 2 साल में कितना अच्छा बांस होगा। कारण इसका ये है कि जैसे मुझे सभी ने बताया, अगर आप इसे बायोमास के लिए प्रयोग करते हैं और अधिक सघनता पर लगाते हैं तो पूरे का पूरा खेत कटवा दीजिए। जब दूसरी बार निकलेगा, अगर पहली बार 4 साल में तैयार हुआ तो दूसरी बार 3 साल में होगा। ये देखिए, मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको। मैं काफी देर से बड़े ध्यान से देख रहा था, ये यहां से बांस कटा होगा इसका। अभी ये देखिए, यहां से ये बांस कटा होगा और इस राइजोम से ये देखिए नए फुटान शुरू हो गए, ये जाकर नया बांस बनेगा। इसी प्रकार इसमें ये शुरू हो गया, ये देखिए इसमें भी ये बांस बनेगा और फिर तेजी से लगेंगे। किसान साथियों, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। बिना कुछ किए किनारे पर एक बांस लगाया, 2 बांस लगाए, उसने हमारी एक तरह से इसकी बाउंड्री भी बना दी ताकि इधर से कोई नया आ जा सके, कोई गिर सके, और हमारे से कोई लागत भी नहीं लगी और गर्मियों में हमें अच्छी छाया भी दी, जो हमारे जानवरों के लिए बहुत जरूरी है, और हमें ऑक्सीजन 24 घंटे मिलती है इससे। इसी काम को मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर खेत में भी शुरू करते हैं, न तो इसमें कोई स्प्रे होता है, न कोई ऐसा स्पेशल खाद डालते हैं, न कोई विशेष देखभाल है, इसको चाहिए पानी और थोड़ा सा खाद, वो भी शुरू के 2 वर्षों में। 2 वर्ष के बाद तो इसका जो बायोमास है, पत्ते हैं, वो ही पूरा खाद बन जाएंगे। ये थी एक मेरी छोटी सी प्रस्तुति बांस की आमदनी पर। उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने बंटी का, के बंटी से मुझे बहुत, मतलब इसके काम को देखकर मुझे इतना अच्छा लगा। और मैं इसे कहता हूँ, मैंने कहा भगवान करे तू रात दिन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की करे और इसी तरह से बढ़ता रहे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।